सो गुड आफ्टरनून गाइस। सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर गाइस, आज कुछ मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ। बहुत ही जरूरी बात आपसे आज मैं करने वाला हूँ जो रहेगी एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल की तरफ से। गाइस जैसे कि आप जानते हो कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो रहे हैं कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन की पोजिशन के लिए, जिसमें 1522 वैकेंसीज निकली हुई हैं और कुल मिला के अलग अलग ट्रेड्स के लिए गाइस। तो गाइस सबसे पहले मैं आज आपको अपडेट देने वाला हूँ इन चीज़ों के बारे में कि किसका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, किसका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट होगा। तो गाइस सबसे पहले आपको बता दूं कि ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो, सो गाइस कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने जा रहा हूं। आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे, इसके फॉर्म को फिलअप करोगे, देन आप में कुछ ऐसे ऑप्शन आएंगे लाइक आपको जो आपके फोटो, आपके सिग्नेचर एंड जरूरी जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करना पड़ता है। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों, उसमें आपका आपका आएगा आधार कार्ड, आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट अगर आप डोगरा कुमाऊं गढ़वाली इलाके से बिलोंग करते हो, या अगर आप शेड्यूल ट्राइब हो, एस सी एस टी हो, ओबीसी हो, या फिर आपका कोई भी कैटेगरी है, तो आपको उसका उसका जो फॉर्म है उसको भी अपलोड करना पड़ेगा स्कैन करके, ठीक है। आधार कार्ड, 10th का सर्टिफिकेट, और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात गाइस, जिसका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है अगर वो फेक हुआ, नकली हुआ, तो ये आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा दोस्तों। अभी तो सभी के फॉर्म इस समय एक्सेप्ट हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि अभी स्क्रूटनी तो चालू हुई नहीं है, अभी छटनी तो चालू हुई नहीं है, लेकिन जैसे ही छटनी चालू होगी, अगर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नकली पाया गया, अगर आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में कुछ ऐसी चीज़ें पाई गई जो कि इनके ओरिजिनलिटी से इनके जो एज पर दी एसओपीज मैच नहीं होती हैं, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा गाइस, ठीक है। तो गाइस ये कहूँगा कि जिसका भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट असली है तो प्लीज़ उसे अपलोड करें, और जिसने धक्के से झूठ बोल के कहीं से भी अपने हाथ पैर मार के बनवा रखा है तो प्लीज़ वो काम नहीं होगा, वो काम नहीं चलेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनता नहीं है, जहाँ पे काम किया जाता है, जहाँ पे आपने काम किया है, जहाँ पे आपने 2 साल मेहनत की है, वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनता है, वो बना के देते हैं, ठीक है। मुझे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा बना दो। भाई मैं कैसे बना सकता हूँ यार, आपने कोई काम किया नहीं है, ठीक है। आपका मैं अगर बना दूँ, आप मुझे फंसा दो या किसी कारण में फंस जाऊँ तो, ठीक है। तो ये गाइस ये बात है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह आपका ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, उसमें ओरिजिनल ऑथेंटिक होना चाहिए, अगर कोई उसको चेक करता है तो बिल्कुल सच निकले, ठीक है। और दोस्तों आपका जो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, उसकी भी दोस्तों स्क्रूटनी की जाएगी, उसका भी आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा कि जो आपका सर्टिफिकेट है किस होटल से है, वहाँ पे वहाँ का जो प्रबंधक होगा उसे फ़ोन किया जाएगा, पूछा जाएगा दोस्तों। तो ये सब मजाक नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है दोस्तों ये चीज़ें, ठीक है। और दोस्तों ये जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन ले रखी है दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इनका जो हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन मैंने ले रखी है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले रखी है जो उन्होंने मुझे बताया, मैंने आपके साथ शेयर की है। तो प्लीज़ इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जब भी फॉर्म आप इसका फिल कर रहे हो तो 3-4 चीज़ें, आपका आधार कार्ड हो गया, 10th का सर्टिफिकेट हो गया, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, कम्युनिटी सर्टिफिकेट हो गया, फोटो एंड सिग्नेचर, ये चीज़ें अपलोड होने वाली हैं दोस्तों, आपकी अपलोड होंगी, ठीक है। तो इनका आपको ध्यान रखना है, और अगर किसी का भी अगर कुछ भी गलत होता है तो दोस्तों आपको यहीं पे एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको आपका एडमिट कार्ड बिल्कुल भी नहीं आएगा। इतना अच्छा मौका है दोस्तों, इसे गवाइएगा मत, ठीक है। तो ये कुछ आपको अपडेट देना था मैंने दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही लगी। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। जय हिंद एंड जय भारत गाइस।